परासिया जनपद में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सड़क और स्वच्छता परिसर सेट का भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कांग्रेस की कार्यशैली को लेकर कई सवाल खड़ा किए। भाजीपनी गांव में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, इसी के अंतर्गत सड़क व स्वच्छता परिसर सेट का लोकार्पण किया गया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया गया और देश को स्वच्छ रखने की अपील की गई। स्वच्छता को लेकर कई कार्य किए गए। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर सिर्फ ट्रांसफर हुए हैं, कांग्रेस ने ट्रांसफर उद्योग चला रखा था जिससे भ्रष्टाचार बढ़ा है। कांग्रेस की सरकार में छिंदवाड़ा उस तरह विकास नहीं कर पाया जैसा होना चाहिए था। हमने आज यहाँ पर उद्घाटन किए और सीसी रोड का भूमि पूजन किए। हमारे मंडल के अध्यक्ष और यहाँ के सरपंच भाई मनीष यादव लगातार सक्रियता के साथ अपने क्षेत्र के विकास की लगे रहते हैं। मैं इनकी पूरी टीम को लेकर के बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस शुभ अवसर पर मैं इस देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य करते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 से जो संपूर्ण भारत के अंदर में स्वच्छता के क्षेत्र में जो जन जागरण किया है उसका ये परिणाम है कि आज हमारा भारत देश स्वच्छ क्षेत्र में गति कर रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।